वैसे वो तो शर्मा रही है, कैमरा में नहीं आना चाहती। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगे? साथ में एक मिक्स सब्जी है और उसके साथ खीर है। ये पिज्जा बहुत ही टेस्टी है। टेस्टी है ना? हाँ बहुत ही टेस्टी है। तो ये हर बार ही होता है जब भी शनि पूजा होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। अभी मैं किचन में आई हूँ, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ और आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है चावल और बैंगन फ्राई जो अमरदीप को पसंद है। आज मम्मी की थी पूजा, बहुत जल्दी ख़त्म हो गई है इसलिए आज मम्मी 11 के अंदर ही मम्मी ने ब्रेकफास्ट कर ली। जनरली मम्मी तो ब्रेकफास्ट करने में मम्मी की 12-12 तो बज ही जाता है, लेकिन आज मम्मी ने जल्दी जल्दी कर ली और आज ब्रेकफास्ट भी जल्दी होगी। पापा मार्केट से फिश लेकर आए हैं, टेंगरा फिश और पूटी फिश। तो आज मैं बनाऊंगी टेंगरा और पूटी फिश से। तो अभी तो नहीं सोची कि क्या से बनाऊंगी, सब्जी क्या से बनाऊंगी, लेकिन अभी फ्राई कर रही हूँ टेंगरा मछली को। कल की फिश भी रह गई थी, चिंगरी फिश जो आपको बताया था, तो आज चिंगरी से मैंने बनाया है आलू से। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने बैठ गए हैं। मैं तो बैठ गई लेकिन अमरदीप की वेट कर रही हूँ। ये है हमारे घर की मेट, उसका नाम है शुमा। आज मैं आप लोगों को उसे दिखाने जा रही हूँ। वैसे वो तो शर्मा रही है, कैमरा में नहीं आना चाहती, लेकिन मैं उसके पीछे खड़ी थी और उसने देख लिया फिर उसे शर्म आ गई। तो ये शुमा अभी घर पहुंच रही है, उसके बाद वो बर्तन मांजेगी और साथ में शर्मा भी रही है क्योंकि उसे कैमरा में आना पसंद नहीं है और थोड़ा शर्म भी कर रही है। ये हमारे बहुत दिनों से हमारे घर में काम करती है और बहुत ही अच्छी है और उसका काम बहुत ही साफ होती है, इसलिए हम लोगों को उसे बहुत पसंद है। मम्मी शनि पूजा में जाओगे? नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगे? नहीं नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगी। पापा आप जाओगे शनि पूजा में? नहीं आज नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? क्यों? पीछे सब तो गया था, इस आज नहीं जाऊंगा। इस बार नहीं जाओगे? नहीं मेरा पैर का भी थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए नहीं जाऊंगा। देख लो अगर अच्छा लगे तो फिर चलना। ठीक है कोशिश करूंगा अगर अच्छा लगे। हाँ नैना तुम जाओगी शनि पूजा में? नहीं मैं नहीं जाऊंगी। क्यों क्या हुआ? मेरी अच्छी नहीं लगी तबीयत। क्या हुआ तबीयत को? ऐसी कल नींद नहीं हुई ना इसलिए अच्छी नहीं लगी। तो नहीं जाओगी? नहीं। तो मैं अकेले ही जाऊँ आज? पापा भी नहीं जा रहे, मम्मी भी नहीं जा रहे। जाने वाले ना? नहीं पापा नहीं जाएंगे। पापा तो बोल रहे थे अभी तक। नहीं नहीं मैंने पूछा था तब, कहा था कि इस बार पैर में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए नहीं जाएंगे। भीड़ भी होती है ना, इतनी लाइन भी लगती है, दिक्कत हो जाती है। शाम को जाओगी फिर? देखती हूँ शाम को जाती हूँ कि नहीं। अच्छा ठीक है चलो मैं ही जाता हूँ अकेले। सो अभी मैं तैयार हो चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ प्रसाद खाने के लिए। मम्मी पापा नैना कोई भी नहीं जा रहा है तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ। सो अभी मैं आ गया हूँ शनि मंदिर। आज तो अकेले ही आना पड़ा, नैना भी नहीं आई, पापा भी नहीं आए। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी चल रही है, अलग अलग जगह से लोग आ रहे शनि पूजा देखने के लिए। तो अभी मैं खिचड़ी खाने के लिए लाइन में लग जाऊँगा। सो मैं प्रसाद लेके आ गया हूँ अंदर। ये है सिटिंग एरिया जहाँ पे लोग बैठ के या खड़े होके भी प्रसाद खा रहे। तो इसमें आपके खिचड़ी होती है, साथ में एक मिक्स सब्जी है और उसके साथ खीर है। पूजा के टाइम में कोई भी पूजा हो, शनि पूजा नहीं, दुर्गा पूजा, काली पूजा, कोई भी पूजा होती है, उस समय जो खिचड़ी प्रसाद होती है ये बहुत ही टेस्टी होती है। वैसे तो हम लोग घर में भी खाते हैं लेकिन पूजा का जो प्रसाद होता है वो थोड़ा अलग ही होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है। सो प्रसाद खा के मैं वापस आ गया हूँ और आज वैसे रूप का भी जाने का मन था लेकिन नैना आज नहीं गई है इसलिए रूप को लेके नहीं जा पाया, क्योंकि वहाँ पे खिचड़ी जो है गर्म गर्म होता है तो बच्चों को खिलाने का कोई एक्सपीरियंस है नहीं मुझे। तो नैना जैसे वो तो देख लेती, तो मैं अकेला गया हूँ इसलिए आज रूप को लेके नहीं जा पाया। तुम अगर चलती तो फिर रूप को लेके जा सकते ना? वो शायद वेट कर रहा होगा हमारे फ़ोन का। हाँ बोल रहा था आपकी कब आएगा कॉल, कब जाएगा वो। लेकिन ठीक ही है, इसे भीड़ में लेकर जाना भी ठीक है। भीड़ तक कम है लेकिन ये ना कि इसको इस साल भीड़, हमें पिछले साल तो भीड़ था ना। हाँ नहीं था लेकिन मतलब बच्चों को खिलाने का एक्सपीरियंस नहीं है ना। हाँ वैसे भी गरम गरम। हाँ गरम होगा, उंगली शायद जल जाए इसलिए ना जाना ही बेहतर है। वही है। ठीक है वो समझ जाएगा, उसको तो समझा के शायद अभी तक वो खा कर सो गया होगा। हाँ देखता हूँ अगर शाम को हम निकले तो फोन करके इसको बुला लूंगा। ये देखिए रूप आया है। क्या खा रहे हो तुम? पिज्जा। पिज्जा खा रहे हो?
अच्छा तुमने पहले खा लिया ना? हाँ मैंने तो खा लिया। अभी कहाँ जाओगे तुम? हाँ? अभी कहाँ जाओगे? घूमने लगे। कहाँ पे घूमने? कहाँ? शनि पूजा में। हाँ शनि पूजा में तुम्हारे साथ। तुम भी पहले खा लिया था ना? हाँ तुम्हारा सब वीडियो में बहुत लाइक आता है। हाँ ठीक है तुम जल्दी से पिज्जा खत्म कर लो फिर हम घूमने जाएंगे। हाँ ठीक है घूम कर घूमने में भी वीडियो कर ले। और तुम कुछ खाओगे फिर? अच्छा ठीक है पहले पिज्जा खत्म कर लो। हाँ, सो अभी रूप आया है तो अभी मैं और रूप शनि पूजा देखने के लिए अभी निकलने वाले हैं। ये पिज्जा बहुत ही टेस्टी है। टेस्टी है ना? हाँ बहुत ही टेस्टी है। तुमने तो तीन खा लिया, मैंने भी तीन खा लिया। हाँ जल्दी खा लो। हाँ। अभी मैं और रूप शनि पूजा देखने आए। शाम की अभी पूजा चल रही है। सो काली पूजा और शनि पूजा दोनों की तैयारी यहाँ पे चल रही है। एक्चुअली प्लान था कि रूप को मैं दोपहर को भी लेके आऊँगा खिचड़ी खाने का टाइम, लेकिन नैना नहीं आई और भाभी भी नहीं आई, इसलिए फिर मैंने रूप को नहीं बोला। तो फिर मैंने शाम को कहा नैना से कि वो फ़ोन करके देख लो। तो फिर भाभी और रूप आए तो मैं अभी रूप को लेकर निकला हूँ शनि पूजा दिखाने के लिए। और पूजा देखने के बाद आसपास थोड़ा घूम के हम आ जाएंगे। शनि पूजा के लिए डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छा ही लग रहा है। मंदिर को अच्छे से सुंदर से सजाया है, साथ में जो लाइटिंग है वो भी बहुत ही अच्छी लग रही है। और साइड में एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे भक्ति संगीत लोग आके गा रहे। तो ये हर बार ही होता है जब भी शनि पूजा होती है तो कुछ सिंगर्स को बुलाया जाता है, लोकल जो सिंगर है वो लोग आते आके यहाँ पे जो डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं वो सब वो गाते हैं और लोगों को भी बहुत पसंद आता है। तो थोड़ी देर मैं यहाँ पे रुकूँगा और थोड़ा गाने को देखूँगा, एंजॉय करूँगा, फिर मैं घर चला जाऊँगा। सो मैं और रूप शनि पूजा घूम के आए हैं और अभी तो बहुत भीड़ था तो थोड़ी देर हम लोग रुके, फिर थोड़ा यहाँ पे गाने भी चल रहे थे तो वह सब देख के फिर हम थोड़ा आसपास घूम के फिर हम लोग वापस आ गए। तो रूप तुमने शनि पूजा देखा? हाँ, मतलब कैसा लगा? अच्छा लगा। तुमने पहली बार देखा ऐसे शनि पूजा? हाँ। अच्छा ये तो साल में एक बार ऐसे बड़ा करके हाँ, होता है। हम तो गोलगप्पा भी खाया। गोलगप्पा? गोलगप्पे भी खाए? हाँ। अच्छा और मैं चिप्स से ये चॉकलेट और ये चिप्स से मैं एक रिंग पाया। दिखाओ दिखाओ। दिखाता हूँ ये देखिए। दिखाओ सामने लाओ। ये दिखाता हूँ ये तटका गया ये देखिए। रुको देखता हूँ। तुम दिखाओ। अच्छा तो ये अंगूठी मिला है तुम्हें? हाँ। लो यहाँ पे बहुत ही मच्छर है। बहुत मच्छर है ना? हाँ विंटर्स के सीजन में बहुत थोड़ा बहुत मच्छर आ जाते हैं। हाँ, मैं और भी एक गिफ्ट पर था दोस्तों वो तोड़ गया, मैं उसको फेंक दिया था। हाँ एक और एक रिंग के जैसा मिला था ये टूट गया है। ये नाक पे लगाने के लिए नाक की रिंग है। इसको इसमें क्या करूँ भी क्या, ऐसे तो आंधू के लिए दिया है तो अब ये टूट गया है ना। हाँ, तो तुमने डस्टबिन में फेंक दिया ना? हाँ। अच्छा और चॉकलेट का है? अच्छा कैसा लगा चॉकलेट? अच्छा लगा। ये ऑरेंज वाला है ना? है। नहीं नहीं ये ऑरेंज वाला है। हाँ। तो ये कल खाना, कल सुबह ब्रेकफास्ट करके फिर खाना? नहीं मैं कल शाम को खाऊंगा। अच्छा फिर शाम को मेरा कुछ खाने की कुछ नहीं रहता। अच्छा ठीक है फिर तुम शाम को खाना। सो आज शनि पूजा एंजॉय करा हमने, दोपहर को भी एक बार गया था, फिर शाम को मैं और रूप जाके घूम के आए। हाँ, मजा आया। गोलगप्पा भी मैंने खाया। हाँ गोलगप्पे खाया, चिप्स लिया, चॉकलेट खाया। गोलगप्पा नहीं मतलब चाट खाया, चाट। हाँ फिर पिज्जा भी तो खाया तुमने? हाँ पिज्जा तो तुम्हारे साथ मिलके खाया। हाँ, ना तो बहुत ही मजा आया। तो अभी तो हम लोग आ गए घर पे और थोड़ी देर बाद रूप चला जाएगा, उसके तो एग्जाम आने वाले है। ये देखिए मेरा रिंग भी यहाँ पे अभी भी है। तो आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग। ब्लॉग पसंद आने से प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं देन प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं देन प्लीज हमारे पेज को लाइक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।